हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम देखेंगे बिना ऑयल, बिना माइक्रोवेव अलग अलग तरह के पापड़ और फ्रायम्स को कढ़ाई में कैसे भून सकते हैं। ये रेसिपी मैं रिंपल जी की फरमाइश पर बना रही हूँ। इस रेसिपी को मैंने घर में कई बार ट्राई किया, जब ये परफेक्ट बन गए तभी अपलोड कर रही हूँ। कभी ये जल जाते थे, कभी बीच में से कच्चे रह जाते थे। सभी बातें ध्यान में रखते हुए जब ये परफेक्ट बनने लगे, आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें भी शेयर की हैं जो आपको इसके लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और घर में बनाइए ऑयल फ्री पापड़। मोटे तले वाली कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। इसमें 2 से 3 कप नमक डाल दीजिए। जब भी आप इसमें नमक डालेंगे तो नमक आपको थोड़ा सा गीला लगेगा, पहले इसे सुखाना जरूरी है। फ्लेम को हाई करके चलाते हुए इसे सुखा लीजिए। जब नमक इस तरह से गिरने लगे, समझ जाइए कि सूख गया है। इसके बाद 2 से 3 मिनट और गर्म कीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। इसमें सबसे पहले हमें किसी भी आलू के पापड़ को या फिर आलू के फ्रायम को ही भूनना है, क्योंकि इस समय इसकी हीट कम है, ये गर्म थोड़ा सा कम है। इसमें आप कोई भी एक पार्ट डाल के देख सकते हैं आलू के पापड़ का। अगर ये भुन रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। इसके बाद मैंने इसमें आलू के फ्रायम्स डाल दिए हैं। इस तरह से चलाते हुए लगातार भून लेना है और किसी भी जाली वाले चम्मच से या फिर झारे से निकाल लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक लग जाता है, इसीलिए इसको निकालने के लिए किसी छन्नी का ही यूज़ करें। इस तरह से हिला लें, इससे इसमें का एक्स्ट्रा नमक निकल जाएगा और नमक ज़्यादा भी नहीं लगेगा। देखिए, इसी तरह हम पहले आलू के चिप्स भून लेंगे। चिप्स को भी सेम तरीके से भूनना है। जब टेम्परेचर कम है तभी हमें आलू के कोई भी पापड़ या फिर चिप्स भूनने हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद ये जल जाता है। सेम तरीके से इसे भी करना है। देखिए, चिप्स भी एकदम परफेक्ट भुन गए हैं और बिल्कुल भी नमक इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है। अब टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद ही इसमें कोई भी चावल के पापड़, चावल के फ्रायम्स या फिर चावल की सेव भून सकते हैं। भूनने का तरीका सेम है, मैंने चावल की सेव इसमें डाल दी है। 1 से 1.5 मिनट में ये भून के तैयार हो जाएगी। जब आप इसे भून रहे हैं तो फ्लेम को हमेशा लो रखना है। सिर्फ नमक गर्म होना चाहिए, फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। सेम तरीके से इसे भी निकाल लेना है। ये है घर में बनी हुई चावल की कुरडई। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है। इसे भी सेम तरीके से ही भूनना है, पर इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे पलटना है। जैसे हम तेल में तलते समय कुरडई को तलते हैं, सेम तरीके से, देखिए इस तरह से। और अब मैं डाल रही हूँ मार्केट के चावल वाले पापड़। ये थोड़े छोटे हैं तो 3 से 4 आप डाल सकते हैं। अगर बड़े हैं तो आप इन्हें तोड़कर ही भुने। देखिए, ये भी एकदम अच्छे से भुन जा रहे हैं। मीन्स आलू की चीज़ें हमें पहले भुननी है और चावल की चीज़ें बाद में भुननी है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद आलू की कोई भी फ्रायम या पापड़ इस पर नहीं भून सकते हैं। जो पापड़ इस तरह से गोल हो जाते हैं उन्हें तोड़कर ही भुने, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। ये भी घर में बने हुए ही चावल के पापड़ हैं। देखिए कितने परफेक्ट भुन गए हैं। ये है मूंग के पापड़। मूंग के पापड़ को भुनने के लिए पापड़ को डाल दीजिए और तुरंत ही इसके ऊपर डाल दीजिए। नमक गर्म हो चुका है और तुरंत ही हमें थोड़े से 10 से 15 सेकंड के अंदर ही इसे पलट देना है। इसे देखते रहना है, अंदर डाल के नहीं रखना है, नहीं तो ये पापड़ जल जाएगा। मैं एक और भून के दिखा रही हूँ, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। तुरंत ही पलट देना है और ऊपर रख देना है। बहुत अच्छे से पापड़ भुन जाता है। आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट भुने हैं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे डालते थे तो ये जल जाता था। मार्केट के मैदे वाले फ्रायम को हम और ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भुनेंगे। देखिए इस तरह से चलाते रहना है, जैसे हमने चिप्स भुना था सेम तरीके से, पर इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे इसमें ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। इसे हमें नमक के अंदर दबाना नहीं है। मार्केट के जो नड्डा कबाब आता है, उसके जो छोटे वाले फ्रायम्स आते हैं, वो वाले हैं ये। इन्हें भी सेम तरीके से भूनना है। ये भी शायद मैदे के ही होते हैं, आई थिंक, मुझे ठीक से पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मार्केट वाले जो मोटे चिप्स आते हैं उन्हें भी आपको नमक को अच्छे गर्म हो जाने के बाद ही भूनना है और चलाते रहना है। अगर इसे नहीं चलाएंगे तो ये भी साइड से जलने लगेंगे। देखिए कितने बढ़िया और परफेक्ट दिख रहे हैं।
ये है साबूदाना कुरडई, इसे भी मैंने घर में ही बनाया है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, इसे भी सेम तरीके से भूनना है। साबूदाने को भी हीटिंग हमें ज़्यादा चाहिए, नमक अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ये अच्छे से भुनता है। अगर आप फास्ट के लिए इसे भून रहे हैं तो आप सेंधा नमक में भी भून सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के साबूदाने की पापड़ को आप इसमें ना भूनें, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है, क्योंकि जो इसमें होल्स रहते हैं उसमें नमक फंस जाता है। ये है नड्डा कबाब वाले फ्रायम्स, इन्हें हमें इस तरह से भूनना है, नीचे थोड़ा सा दबा के रख देना है, फिर ऊपर से इसे प्रेस करना है, नहीं तो ये भी एक साइड से कच्चा रह जाता है, देखिए इस तरह से। और निकालते समय इसे इस तरह से निकालिए कि इसमें का जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाना चाहिए। इसी तरह आप और भी पापड़ और फ्रायम्स इसमें भून सकते हैं, पर एक बात का विशेष ध्यान दें, आपने जो भी पापड़ घर में बनाए हैं और अगर उसमें ऑयल लगाया है या फिर मार्केट से लाए हैं उसमें ऑयल लगा हुआ है, वो कभी भी नमक में ना भूने। ऑयल इसमें का जो नमक है वो खींच लेता है और बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है पापड़ में, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें। आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी पापड़ जला नहीं है और बीच में से कच्चा भी नहीं रहा है। अगर आप फ्लेम का या फिर नमक के गर्म होने के टेम्परेचर का ध्यान नहीं देंगे तो ये जल जाते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ऑयल लगे हुए पापड़ को इसमें बिल्कुल ना भूने, बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाता है, नमक उसमें चिपक जाता है। है ना ये एक बहुत ही आसान सी पापड़ भूनने की रेसिपी, वो भी विदाउट माइक्रोवेव या फिर ऑयल। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।